आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं आर्मी अग्निवीर भर्ती 2024 की जीके जीएस की क्लासेस। आप चाहे आर्मी में जीडी, ट्रेडमैन, क्लर्क या टेक्निकल किसी भी ब्रांच की तैयारी कर रहे हो, जहां पर आपकी जीके जीएस पूछी जाएगी, उसके लिए आपकी ये क्लास इतनी महत्वपूर्ण रहने वाली है। आपको ये क्लास देखने के बाद पता चलेगी। इसमें मैं डेली सुपर 30 क्वेश्चंस को डिस्कस करूंगा, जो कि आपके प्रीवियस ईयर एग्जाम में पूछे गए हैं या आपके एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर पूरा एक कंपाइलेशन रखा गया, जिसमें आपका हिस्ट्री के भी आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, ज्योग्राफी के भी मिलेंगे, पॉलिटी के भी मिलेंगे, और आपको जीएस के भी क्वेश्चन देखने को मिलेंगे, और स्टैटिक से हुए, चाहे वो खेल से हुए, ऐसे हर टाइप के इसमें मैंने क्वेश्चन को मर्ज किया है, जो कि आपके एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन ये रहने वाले हैं। आप इसमें कम से कम अगर 20 का सही जवाब दे पाते हैं तो आप अपनी तैयारी को एक बेहतरीन मानिए, क्योंकि ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपने पढ़े तो होंगे, लेकिन ये मैं उन तरीकों को एक्सप्लेन करके यहाँ पर चलने वाला हूँ, जिससे कि जो भी आर्मी की तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट, उनके लिए बहुत मदद मिल सके इस वीडियो से। तो आज इस सीरीज में, सुपर 30 की सीरीज में, आप आज की पहली क्लास है। देखिए यहाँ पर क्या रहता है, आज थोड़ा टाइम लेंगे। यदि आपको ये सीरीज पसंद आती है और आप इसको अपने दोस्तों के साथ या आपको इससे कुछ बेनिफिट मिलता है, तो आप इसको मुझे रिस्पॉन्स करके जरूर बताना, क्योंकि इसके बाद मैं ही ये जो सीरीज है आपकी कंटिन्यू रखूंगा जब तक आपका एग्जाम अग्निवीर का नहीं हो जाएगा, चाहे वो 30 वीडियो हो, 40 वीडियो हो। देखिए यहाँ पर आपको मैं अगर 10 30 क्वेश्चन करा रहा हूँ, तो कम से कम ये मान लीजिए कि उसमें से 10 से 12 क्वेश्चन इतने महत्वपूर्ण हैं जो कि आपके एग्जाम में बार बार पूछे जाते हैं, और अभी आपको देख के लगेगा भी क्या ये क्वेश्चन तो मैंने कभी पढ़ा नहीं, ये तो ये भी एग्जाम में आते हैं। और जब आप एग्जाम, जैसे आपका सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आपको पता चलता है कि भाई ये क्वेश्चन मेरे एग्जाम में आया था, तो आपको यहाँ पर देख के लगेगा कि भाई हाँ हाँ ये ऐसे क्वेश्चन हैं जो आपके एग्जाम में आ सकते हैं। तो आर्मी अग्निवीर भर्ती के लिए आपकी सीरीज चालू हुई है। अगर आप और भी कोई एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं जहाँ पर जीके जी ऐसे, तो ये क्वेश्चन आपके लिए हेल्पफुल हो सकते हैं, लेकिन अभी जो स्पेशल अगर मैं बात करता हूँ, तो ये आर्मी वाले स्टूडेंट्स के लिए है, आर्मी की हो, नेवी की हो, या एयरफोर्स बाई ग्रुप की, उसमें ये आपके लिए हेल्पफुल रहने वाली है, कोस्ट गार्ड आपके डीबी सेक्शन के लिए, सेक्शन फर्स्ट के लिए। तो चलते हैं वीडियो को स्टार्ट करते हैं। उससे पहले अगर अभी तक आपने अगर चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, एक बार जरूर कर लें, जिससे जब भी कोई नई वीडियो आए तो उसकी इन्फॉर्मेशन आपको मिल जाए, और अब आपकी डेली बेसिस पर ये रिकॉर्डेड वीडियो आपकी डेली एक अपलोड होती रहेगी, जिसकी टाइमिंग मैं कुछ ना कुछ करके सेट कर दूंगा कि कितने बजे आपकी एक वीडियो डेली आएगी। तो आज आपकी सीरीज की पहली क्लास, चलते हैं फ्रेंड्स वीडियो को स्टार्ट करते हैं। पर तो दूसरा क्वेश्चन है आपका कि भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी, आपसे आईएएस पूछ रहा है, तो आपको इसमें देखते हैं चार ऑप्शन है, किरण बेदी, उज्ज्वला पाटिल, आशापूर्णा देवी और अन्ना जॉर्ज। आपके सामने चार ऑप्शन हैं, आप इसका देखिए, आप अपने मन में बोल लीजिए कि भाई ये आंसर है, फिर उसके बाद जो मैं बताता हूँ फिर आप उसको क्रॉस चेक कीजिए कि भाई मेरा ये सही था कि गलत था। अब देखिए भारत की प्रथम महिला आईएएस अधिकारी आपसे पूछ रहा है, तो देखिए सबसे पहले मैं बात करता हूँ किरण बेदी की, तो जो भी ऑप्शन किरण बेदी दे रहे हैं वो बिल्कुल गलत है, क्योंकि यहाँ पर किरण बेदी है वो आपकी पहली आईपीएस अधिकारी थी। तो ये भी आप क्वेश्चन नोट कर लीजिए कि पहली जो आईपीएस अधिकारी थी वो थी किरण बेदी, और हम बात करते हैं आईएएस अधिकारी की, तो वो थी अन्ना जॉर्ज। इनका पूरा नाम अन्ना जॉर्ज मल्होत्रा था, तो आपको अन्ना मल्होत्रा भी लिखा मिल सकता है, अन्ना, मैं एक बार लिख देता हूँ, अन्ना मल्होत्रा, तो इस टाइप से आपको मिल सकता है। तो भारत की पहली महिला आईएएस अधिकारी वो थी अन्ना जौहर या अन्ना मल्होत्रा। अब मैं चलते हैं आपके थर्ड क्वेश्चन के ऊपर, तो थर्ड क्वेश्चन है आपका विश्व का सबसे बड़ा महासागर आपसे पूछ रहा है कि भाई विश्व का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है, तो इसमें आपको जवाब देना है कि विश्व का सबसे बड़ा महासागर पहले नंबर पर आपका हिंद महासागर, दूसरे पर प्रशांत, तीसरे पर अंटार्कटिक और चौथे पर आपका इनमें से कोई नहीं। तो विश्व का जो सबसे बड़ा महासागर है वो आपका कौन सा है, प्रशांत महासागर। आपका ऑप्शन नंबर जो सेकंड है वो आपका करेक्ट हो जाएगा यहाँ पर। अभी कुछ ऐसे सवाल हैं जो अब आपके स्टार्ट होंगे, अभी आपको लगा होगा कि एक दो सवाल इसमें इजी थे, लेकिन जैसा पहला क्वेश्चन था ठीक था, और उसके बाद दूसरे तीसरे आपके इजी थे, तो ये आपके करेक्ट होने चाहिए, ये आपको बेसिक जानकारी होनी चाहिए। अब हम चलते हैं आपके नंबर क्वेश्चन नंबर 4 पर, तो अब यहाँ पर बताइए कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता है। आपसे क्वेश्चन इस तरीके से भी आ सकता है कि पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग, पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग दिखाई नहीं देता है। इस बात पे फोकस करना कि भाई नहीं पूछ रहा है कि दिखाई देता है पूछ रहा है, तो बताइए कि चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग अपने पृथ्वी से दिखाई नहीं देता। पहला ऑप्शन है 16.7%, फिर है 20%, फिर 50%, और फिर है आपका 41%। तो ये आपके लिए नया क्वेश्चन हो सकता है, तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका 41%, यानी कि जो चंद्रमा का जो पृथ्वी से जो भाग है वो 41% भाग दिखाई नहीं देता है। और आपसे यही पूछ ले कि कितना प्रतिशत भाग दिखाई देता है, तो फिर वो हो जाएगा आपका 59%। तो 59% क्या है कि भाग दिखाई देता है, एंड पूछा है कि कितना नहीं देखा देता है, तो 41%, यानी कि 41% आपका भाग दिखाई नहीं देता है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर, तो आ जाता है क्वेश्चन नंबर 5 आपके सामने, ये है भाई मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है। मैंने आपसे बोला कि हर एक तरीके का क्वेश्चन का कंप्लाइंस इसमें रखा गया है, कि वो चाहे आपका पॉलिटी से हो, चाहे आपका ज्योग्राफी से हो, चाहे आपका स्टेटिक्स से हो, चाहे आपका इकोनॉमिक्स से हो, हर टाइप के क्वेश्चन इसमें रखे गए हैं। तो मौलिक कर्तव्य का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है, तो इसको आपको बताना है। सबसे पहले ये बताना है कि मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है। तो देखिए अगर मैं मौलिक कर्तव्य की बात करता हूँ, मौलिक कर्तव्य की अगर मैं बात करता हूँ, तो मौलिक कर्तव्य को कहाँ से लिया गया है, रूस से लिया गया है।
कहाँ से लिया गया है? रूस से लिया गया है। और एक क्वेश्चन बनता है कि मौलिक अधिकारों को कहाँ से लिया गया है? मौलिक अधिकार को, तो मौलिक अधिकार को बताइए भाई कहाँ से लिया गया है। ये भी आपके लिए क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि मौलिक अधिकार को भाई कहाँ से लिया गया है। तो मौलिक जो अधिकार है उनको लिया गया है अमेरिका से, यूएसए से। तो मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से। एक मिनट, आपका ये बैक हो गया, देखिए एक बार दोबारा देखिए। मौलिक अधिकार को लिया गया है अमेरिका से, और मौलिक कर्तव्य को लिया गया है रूस से। लेकिन आपसे क्वेश्चन क्या पूछा ये भी आप नोट कर लेना कि मौलिक कर्तव्य को लिया कहाँ से, तो रूस से लिया गया है। और अगर अधिकार की बात हो तो अधिकार लिया गया है आपका यूएसए से, अमेरिका से। अब मैं बात करता हूँ कि ये संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित है। तो संविधान के अनुच्छेद किस में वर्णित है? 15 ए में है कि 51 ए में है कि 42 ए में है कि 24 ए में है। तो आपका जो राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेकंड, यानी 51 ए में आपके मौलिक कर्तव्य का वर्णन किया गया है। कहाँ से लिए गए हैं? तो रूस से लिए गए हैं। और आपके आपके लिए क्वेश्चन मैं यहाँ पर छोड़ता हूँ कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं भारतीय संविधान में? वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्यों का जिक्र है? ये क्वेश्चन अभी एसएससी जीडी में पूछा गया था कि वर्तमान में कितने मौलिक कर्तव्य हैं आपके भारतीय संविधान में। तो ये आपके लिए क्वेश्चन रहेगा, इसका कमेंट करके आंसर बताना। अब यहाँ पर देखिए, अगर एक क्वेश्चन आता है कि भाई डीपीएसपी यानी कि कहाँ से लिए गए हैं, तो राज्य के नीति निदेशक तत्व को आयरलैंड से लिया गया है। जो स्पेशल क्वेश्चन मैं आपको बता देता हूँ, आयरलैंड से लिया गया है। राज्य के नीति निदेशक तत्व को आपसे पूछा जाए कि एकल नागरिकता कहाँ से ली गई है, एकल नागरिकता आपकी कहाँ से ली गई है, तो वो ली गई है आपके यूके, यूनाइटेड किंगडम या ब्रिटेन से। तो ये कुछ क्वेश्चन है आपको लिख लेने हैं कि भाई कौन चीज़ कहाँ से ली गई है, जिसको मैं आपको बताया। इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सेकंड 51 ए। अब चलते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 6 के ऊपर। ये रहा देखिए, जो आपके क्वेश्चन मैंने बोला कि हर तरीके क्वेश्चन आपको मिलेंगे। तो पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य किस स्थान पर स्थित है? पंचमढ़ी जो वन्य जीव अभयारण्य है वो कहाँ पर? उत्तर प्रदेश में है, मध्य प्रदेश में, राजस्थान में कि आसाम में है? तो आपके सामने चार ऑप्शन। अगर मैं पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य की बात करता हूँ तो ये आपका मध्य प्रदेश किसका राइट आंसर हो जाएगा। तो मध्य प्रदेश में स्थित है आपका कौन सा? पंचमढ़ी वन्य जीव अभयारण्य। चलिए अब मैं बात करता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 7 की, जो कि आपके स्टैटिक के पोर्शन से है। तो यहाँ पर है कि मदर इंडिया के लेखक कौन है? जो मदर इंडिया बुक है उसके लेखक कौन है? तो इसमें आपका बुक से रिलेटेड क्वेश्चन आ गया, जो कि आपके एग्जाम के पैटर्न पर ही है, बिल्कुल डिपेंडेंट है ये कि भाई उसी पर ये बिल्कुल जो आपके एग्जाम में पूछा था वैसा ही है। तो बताइए कि मदर इंडिया के लेखक कौन है? आपके सामने ऑप्शन है कैथरीन मियो, विनायक सावरकर, जैनेन्द्र और भीमसेन जोशी। चार ऑप्शन है आपके सामने। तो मदर इंडिया के लेखक कौन है? ऑप्शन नंबर जो आपका फर्स्ट जो भी दे रहे हैं उनका ये करेक्ट, कैथरीन मेयो, इसके बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो मदर इंडिया के लेखक कौन है? कैथरीन मेयो। अब आता है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन, बताइए क्वेश्चन नंबर 8 है, इसको आप पढ़िए। तो यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी? ये आपसे पूछ रहा है कि यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई थी, आपसे डेट के बारे में पूछ रहा है। देखिए आपसे ईयर भी पूछ सकता है, डेट भी पूछ सकता है। इस वजह से मैंने दोनों चीज़ों को यहाँ पर लिया है कि भाई डेट अगर आ जाए तो डेट भी आप पूछ सकते हैं कि किस डेट को हुआ, क्योंकि जब जैसे ईयर समान दे दिए तो डेट में डिफरेंस कर देते हैं, जब उनको पेपर कठिन बनाया होता है तो ये कर देते हैं। इस वजह से मैंने डेट को भी ले लिया। तो यूरोपीय परिषद की स्थापना कब हुई, आपके सामने ऑप्शन दिए गए हैं। तो 5 अप्रैल 1963, या 5 मई 1949, 17 जून 1941, या 20 जुलाई 1947। तो ये आपके सामने चार ऑप्शन है। तो आप इसमें बताइए कि यूरोपीय परिषद की जो स्थापना है वो आपकी कब हुई थी? तो इसकी जो स्थापना है वो हुई थी आपकी ऑप्शन नंबर सेकंड, 5 मई 1949 को। तो ये क्वेश्चन आपके लिए स्पेशल है, इसको आप जरूर नोट कर लेना। ये एक बात मान लेना, जितने भी वीडियोस कराएं ये कोई ऐसा नहीं कि फर्जी वीडियो डाल दिया, आपके लिए बहुत ही स्पेशल कंटेंट मैंने यहाँ पर ढूंढ के लिखा है, जिसको आपके एग्जाम में पूछे जाते हैं। तो यूरोपीय परिषद की जो स्थापना है वो 5 मई 1949 को हुई, और आपसे पूछ ले कि ये कहाँ पर हुई थी, तो ये आपकी कहाँ पर हुई थी? ये आपकी लंदन में हुई थी, लंदन माने ब्रिटेन में आपकी ये स्थापना हुई थी। तो ये आपको भी ध्यान रखना है कि ब्रिटेन में इसकी स्थापना हुई थी 5 मई 1949 को। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 9 के ऊपर। यहाँ पर पूछ रहा है कि रेलवे बोर्ड की स्थापना किस वर्ष की गई? जो स्थापना क्योंकि आपसे पूछी जाती है, इस वजह से मैंने हर तरीके के क्वेश्चन लिए हैं। तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है उसमें आपको बताया कि 1853 में, 1875 में, 1905 में और 1899 में। तो यहाँ पर बताइए कि भाई आपकी जो रेलवे बोर्ड की स्थापना है वो कब आपकी की गई थी? तो आपके सामने ये ऑप्शन है, आप पर बताइए। तो रेलवे बोर्ड की जो स्थापना है वो आपकी 1905 में आपकी की गई थी, रेलवे बोर्ड की स्थापना। अगर आपसे डेट भी पूछ ले कि कब की गई थी, तो 18 फरवरी 1905 को ये इसकी स्थापना की गई थी, 18 फरवरी 1905 को रेलवे बोर्ड की स्थापना आपकी की गई थी। अब चलते हैं क्वेश्चन नंबर 10 के ऊपर। तो सीमा सुरक्षा बल CRPF का आपसे यहाँ पर थोड़ा, सीमा सुरक्षा बल नहीं होना चाहिए, ये यहाँ पर आपका डाउट हो गया, वो तो BSF का हो, तो बॉर्डर सिक्योरिटी फोर्स, इसको आप काट दीजिए। सिर्फ ये बताइए कि CRPF का मुख्यालय कहाँ पर है? सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स है, अगर इसके फुल फॉर्म की बात करते हैं तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, वो थोड़ा यहाँ पर गला लग गया, जिसको आप काटिए। तो CRPF का आपसे मुख्यालय पूछा है, सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स, ये इसका फुल फॉर्म होता है, पुलिस फोर्स।
तो सेंट्रल रिजर्व पुलिस फोर्स का मुख्यालय आपसे पूछ रहा है। आपके सामने ऑप्शन है देहरादून, चंडीगढ़, गुवाहाटी और अपन नई दिल्ली। अगर हम इसकी बात करते हैं तो सीआरपीएफ का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, नई दिल्ली में है। देखिए ऐसे क्वेश्चन हैं, जब आपको कभी ये समझ में ना आए कि इसका मुख्यालय कहाँ पर है और वो भारत की बात कर रहा है, तो मैं आपको एक हिंट देता हूँ, जब आपको तुक्का ही मारना हो, जब आपको पता ना हो, तब आप दिल्ली पर ही ज़्यादातर टिक कीजिए, क्योंकि उसकी ज़्यादातर जो मुख्यालय है वो दिल्ली में ही। जब आपको ऑप्शन पता ना हो और आपको टिक करना हो, और जब आपको तुक्के की मुझे तुक्का मारना है, तो तुक्के भी थोड़ा सेंस से मारिए कि ज़्यादातर कहाँ पर, तो दिल्ली आपको लगाना है। अब मैं बात करता हूँ आपके क्वेश्चन नंबर 11 की, काफ़ी स्पेशल क्वेश्चन है कि इंडियन मिलिट्री अकेडमी यानी कि आईएमए का आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी आपसे पूछ रहा है कि ये कहाँ पर है। आईएमए भी लिखकर आ सकता है कि आईएमए कहाँ पर स्थित है या किस शहर में स्थित है। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी, आप अगर आर्मी की तैयारी कर रहे हैं तो ये आपको बातें पता होनी चाहिए। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी के जो आपको कहाँ पर स्थित है, खड़गवासला, नई दिल्ली, देहरादून और शिलोंग। तो यहाँ पर आपको बताना है इसका राइट आंसर क्या रहने वाला। तो इंडियन मिलिट्री एकेडमी का जो राइट आंसर है, यानी जो कहाँ पर स्थित, किस शहर में स्थित है, वो आपकी कहाँ पर है, देहरादून में आपकी स्थित है आईएमए, यानी इंडियन मिलिट्री एकेडमी कहाँ पर है, ये आपकी देहरादून में स्थित है। अब हम बात करते हैं, हाँ एक और, खड़गवासला। खड़गवासला का है एनडीए का ट्रेनिंग सेंटर भाई, एनडीए की जो आपकी होती है, जब आप एनडीए क्वालिफाई करते हैं तो आपको जब अपने तैयारी के लिए, क्योंकि वहां पर आपको 3 साल कम से कम रहना पड़ता है, 1 साल आपको स्पेशल फोर्स ट्रेनिंग होती है, तो उसकी जो एकेडमी कहां पर है वो आपकी एनडीए की एकेडमी खड़गवासला में है और आईएमए की आपकी देहरादून में है। चलते हैं क्वेश्चन नंबर 12 पे। तो देखिए ये आपका खेल से रिलेटेड क्वेश्चन है, तो ड्यूस शब्द किस खेल से संबंध रखता है। तो यहाँ पर आपसे पूछ रहा है कि जो ड्यूस शब्द है वो किस खेल से संबंध रखता है। आपके 4 ऑप्शन है, हॉकी से, आपका फुटबॉल से, गोल्फ से और बैडमिंटन से, ये आपके 4 ऑप्शन इसमें दिए गए हैं। तो ड्यूस शब्द आपको बताइए कि ये किस खेल से, क्योंकि जो कुछ शब्दावली है, खेल शब्दावली, वो आपके एग्जाम में पूछी जाती है कि भाई इस खेल का किससे संबंध है या किससे ये संबंध रखता है। तो ड्यूस शब्द किससे रखता है, इसको आपको आंसर देना है। तो इसका जो आप राइट आंसर हो जाएगा वो क्या हो जाएगा, गोल्फ। अब देखिए ड्यूस शब्द जो है वो 2 खेलों से संबंध रखता है, एक तो हो गया गोल्फ। अगर आपको गोल्फ ऑप्शन में नहीं मिलता है तो आप टेनिस, टेनिस या लॉन टेनिस, जिसको बोलते हैं लॉन टेनिस, लॉन टेनिस यहाँ पर लिख देता हूँ, लॉन टेनिस, ये आपको मिल सकता है। तो ड्यूस शब्द जो है वो गोल्फ में मिलेगा, और नहीं अगर आपको गोल्फ मिलता है तो आप टेनिस या लॉन टेनिस पर आपको क्लिक करना है, आपका आंसर हो जाएगा। देखिए टेनिस में क्या रहता है कि जब स्कोर 40-40 का हो जाता है दोनों पार्टी का, दोनों तरफ खिलाड़ियों का, तब इस ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। तो पूछ लेते कि कितने स्कोर पर इस शब्द का प्रयोग किया जाता है टेनिस में, तो 40-40 स्कोर पर किया जाता है। और वैसे अगर कोई आ जाए कि भाई किस खेल से संबंध रखता है, तो गोल्फ से, अगर गोल्फ ऑप्शन में ना हो तो लॉन टेनिस आप टेक कर सकते हैं। जब स्कोर 40-40 हो जाता है तब ड्यूस शब्द का प्रयोग किया जाता है। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की, तो विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। ये आपका क्वेश्चन था कि विश्व दूर संचार दिवस कब मनाया जाता है। इसके देखिए ऑप्शन नीचे दिए गए हैं, 20 अप्रैल को, 17 मई को, 29 दिसंबर को और 9 दिसंबर को। आपके सामने 4 ऑप्शन हैं कि विश्व दूर संचार दिवस भाई कब मनाया जाता है, तो इसका राइट आंसर बताइए। इसमें आपसे डेट्स भी पूछी जाती हैं, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा 17 मई। 17 मई को विश्व दूर संचार दिवस मनाया जाता है, विश्व दूर संचार दिवस, दूर संचार दिवस आपका मनाया जाता है कब, 17 मई को। तो ये आपका आंसर इसका रहने वाला है। अब मैं इसकी बात करता हूँ कि विश्व दूर संचार दिवस के भाई स्थापना कब हुई थी, तो वो हुई थी आपकी स्थापना हुई थी 1865 में। अगर पूछा जाए आपसे कि ये कब से मनाना प्रारंभ हुआ, जो विश्व दूर संचार दिवस है वो 17 मई से कब से प्रारंभ हुआ है, किस सन से, तो 1969 से ये आपका प्रारंभ हुआ विश्व दूर संचार दिवस मनाना। अगर इसकी स्थापना पूछिए तो 1865 में हुई थी, और पूछा जाए कि ये कब से प्रारंभ हुआ, तो 1969 से आपका प्रारंभ हुआ। अब बात करते हैं आपके क्वेश्चन नेक्स्ट की, 14 नंबर क्वेश्चन की, फ्रांस तथा जर्मनी के बीच कौन सी रेखा है। तो रेखाओं से रिलेटेड आपसे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, तो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में कौन सी रेखा है। जैसे आपको पता है, ऑप्शन है आपके मैकमोहन, रेडक्लिफ, मैगिनॉट और ड्यूरन। जैसे आपको पता है कि जो आपकी रेडक्लिफ है ये किनके बीच में है, तो ये है आपकी इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, इंडिया एंड पाकिस्तान के बीच में ये आपकी रेखा है। अगर मैं वहीं मैकमोहन की बात करता हूँ, तो मैकमोहन जो रेखा है आपकी वो किन दो देशों के बीच में है, तो ये है आपकी इंडिया और चाइना के बीच में, इंडिया और चाइना के बीच में है ये आपकी। अगर मैं वहीं बात करता हूँ डुरंट रेखा की, तो इसका आंसर डुरंट नहीं होगा। मैं इसकी बात करता हूँ डुरंट रेखा की, तो ये है आपकी पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में, किसके बीच में। और इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा मैगिनॉट। तो जो फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में रेखा है वो है आपकी मैगिनॉट रेखा। मैकमोहन किसके बीच में है, इंडिया और चाइना के बीच में, रेडक्लिफ इंडिया और पाकिस्तान के, डूरंट पाकिस्तान और अफगानिस्तान के। तो 4 ऑप्शन यहाँ पर आपके हो गए, जिसका आंसर क्या है, मैगिनॉट फ्रांस तथा जर्मनी के बीच में। डूरंट ध्यान रखना, ये काफ़ी पूछी जाती है, तो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के बीच में। बात करता हूँ क्वेश्चन नंबर आपके 15 की, जो कि आपका एक जीएस के क्वेश्चन है। जैसे मैंने बोला कि इसमें मैंने जीएस के क्वेश्चन को कम लिया है। अब बात करता हूँ कि भाई कार का एसआई मात्रक क्या है।
कार के एसआई मात्रक के बारे में आपको बताना है कि ये किसका है। तो कार का जो एसआई मात्रक है वो क्या है, ऑप्शन नंबर पहला ये यहाँ पर न्यूटन लिखा हुआ है, न्यूटन, प्रकाश वर्ष, अर्घ और जूल। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कार का जो एसआई मात्रक है वो क्या रहने वाला है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो है आपका जूल। कार का एसआई मात्रक क्या है, वो है आपका जूल। अगर मैं प्रकाश वर्ष की बात करता हूँ तो ये काफ़ी पूछा जाता है जो बड़ी दूरी को नापने के लिए। वैसे आ गया कि दूरी का, मान लीजिए कि दूरी का, लेकिन जब बड़ी दूरी को नापा जाता है तो वो प्रकाश वर्ष में ही नापा जाता है, ये हो जाएगा दूरी का। अगर मैं न्यूटन की बात करता हूँ तो ये किसका है और अर्घ किसका है, ये आपको कमेंट करके बताना है आपके कमेंट बॉक्स में ये किसका है। और इसका ऐसा ही, अगर चलिए मैं आपसे पूछ रहा हूँ कार का CGS, अब मैं आपको हिंट देता हूँ कि कार का CGS मात्रक क्या है, अब आपको कमेंट करके बताना है। आ जाते हैं क्वेश्चन नंबर 16 के ऊपर। तो निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, ये काफ़ी क्वेश्चन पूछा जाता है कि निक्स ओलंपिया जो पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित है, निक्स ओलंपिया नामक पर्वत किस ग्रह पर स्थित है, ये आपका क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16। तो इसका आपको आंसर देना है बृहस्पति पर, पृथ्वी पर, मंगल पर और बुध पर। तो बताइए कि भाई जो निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है वो किस ग्रह पर स्थित है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो है मंगल। तो मंगल ग्रह पर निक्स ओलंपिया नामक पर्वत है। और अपनी जो एक आपको जानकारी देता हूँ कि जो अपनी पृथ्वी और माउंट एवरेस्ट है सबसे ऊंची चोटी, उससे शायद 3 गुना ऊंचा है। एक बार इसको आप चेक कर लेना, लेकिन इसका जो कितना ऊंचा है वो 3 गुना ऊंचा है निक्स ओलंपिया अपने माउंट एवरेस्ट की चोटी से। तो एक बार देखना, 3 गुना है शायद। अब एक क्वेश्चन है आपके सामने कि सबसे बड़ा ग्रह, तो वो है आपका बुध। ये सबसे बड़ा ग्रह है बुध, इसके और सबसे छोटा ग्रह कौन सा है, सॉरी सबसे बड़ा ग्रह है बृहस्पति और सबसे छोटा कौन सा है, वो है आपका बुध। ठीक है, पृथ्वी तो नीला ग्रह भी कहा जाता है आपको पता है, और मंगल को क्या कहा जाता है वो आपको कमेंट करके बताना है। इसको नीला ग्रह कहा जाता है मंगल को, और इसका निक्स ओलंपिया है वो आपका पर मंगल ग्रह पर स्थित है और जो कि माउंट एवरेस्ट से 3 गुना ऊंचा है। एक है कि अब जो अभी जो करंट है आपके एक डाटा आया है कि सबसे ज़्यादा उपग्रह, सबसे ज़्यादा उपग्रह किसके हुए हैं, तो वो हैं अब आपके शनि के, पहले बृहस्पति के थे लेकिन अब आपके शायद शनि के सबसे ज़्यादा उपग्रह हो गए हैं। चलिए अब आप क्वेश्चन नंबर बात करते हैं 17 की। तो अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, जो कि आपके पॉलिटी से क्वेश्चन है तो हर तरीके का यहाँ पर आपको मिलेगा सवाल। तो अविश्वास प्रस्ताव राज्यसभा में, लोकसभा में, कि दोनों में या इनमें से कोई नहीं, तो आपको आंसर बताना है कि भाई जो अविश्वास प्रस्ताव है वो किस सदन में लाया जाता है। और देखिए अगर मंत्रिपरिषद के किसी भी मंत्री के प्रति अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो फिर पूरे मंत्रिमंडल को ही इस्तीफा देना पड़ता है, इस तरीके के प्रावधान उसमें होते हैं। तो बताइए कि अविश्वास प्रस्ताव किस सदन में लाया जाता है, राज्यसभा में लाया जाता है कि लोकसभा में, कि दोनों में या इनमें से कोई नहीं, तो इसके अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो है भाई लोकसभा में। तो अविश्वास प्रस्ताव कहाँ पर लाया जाता है, वो लाया जाता है आपका लोकसभा में। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 18 की। राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, आप क्वेश्चन है कि राज्यपाल जो आपका थे, जैसे आपका एक राष्ट्रपति होता है और उसके बाद उपराष्ट्रपति होता है, जो केंद्र में राष्ट्रपति काम करता है वही स्टेट में, राज्य में एक राज्यपाल का काम होता है। इस तरीके से आप रिलेट करके इसको पढ़ सकते हैं कि जो केंद्र में राष्ट्रपति का कार्य होता है वही कार्य राज्यपाल का स्टेट में होता है, एक तरीके से इसको आप समकक्ष में रख सकते हैं। तो राज्यपाल पद के लिए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो इसकी बताइए न्यूनतम आयु कितनी होती है, तो वो होती है आपकी 35 वर्ष, कम से कम 35 वर्ष का होना चाहिए। अब आपको एक कमेंट करके आपको बताना है कि भाई राज्यपाल का जो चुनाव की जो प्रणाली है वो किस तरीके की प्रणाली है, ये आपको कमेंट करके बताना, उसमें कौन कौन भाग ले सकता है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 19 की। तो सार्वजनिक धन का संरक्षक किसे कहा जाता है, तो सार्वजनिक जो धन का संरक्षक होता है राष्ट्रपति को कहा जाता है, प्रधानमंत्री को, कि राज्यपाल को, कि नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को। तो बताइए कि सार्वजनिक जो धन का संरक्षक है वो आपका ऑप्शन नंबर जो 4 है, नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को कहा जाता है। इसका जिक्र कौन से आर्टिकल में है, ये आप बताइए कमेंट करके, कि जो आपका सार्वजनिक धन का संरक्षक है वो नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को आ जाता है, और इसका जो पद है नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक का वो किस आर्टिकल में आपका दिया गया है, ये आपको बताना है। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 20 की। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, ये आपके सामने क्वेश्चन है, भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया। पहला ऑप्शन है आपका 26 जनवरी 1950, दूसरा है 26 नवंबर 1949, उसके बाद थर्ड और फोर्थ है आपका 14 जनवरी 1951 और 15 अगस्त 1950। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो आप बताइए कि भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, इसके अगर मैं राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो है 26 नवंबर 1949। अगर पूछा जाए वहीं कि कब लागू किया गया, तो वो है आपका 26 जनवरी 1950 को आपका लागू किया गया, ये आपका राइट आंसर हो जाएगा। तो भारतीय संविधान को कब अंगीकृत किया गया, तो वो 26 नवंबर 1949 को, लागू कब किया गया, तो 26 जनवरी 1950 को, जब आपका गणतंत्र दिवस आपका प्रारंभ हुआ। अब बताइए आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21।
कि खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय कहाँ पर है। तो जो खाद्य एवं कृषि संगठन का मुख्यालय है उसके बारे में आप बताइए कि ये कहाँ पर स्थित है। अगर मैं इसके ऑप्शन की बात करता हूँ तो जेनेवा में, न्यूयॉर्क में, पेरिस में या रोम में। तो ये आपका है, तो खाद्य एवं कृषि संगठन का जो मुख्यालय है वो आपका कहाँ पर है, वो है आपका रोम में। कहाँ पर है आपका? रोम में है। जिनेवा में किसका है? तो WHO का है आपका, ठीक है, और शायद WTO का भी है। एक बार आप चेक कर लेना, WHO और WTO का जिनेवा में है। चलिए ये बताइए कि अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? अंतर्राष्ट्रीय न्यायालय का मुख्यालय कहाँ पर है? इसका जो मुख्यालय वो है आपका हेंग। तो ये आपको कुछ ध्यान रखने हैं। अब हम बात करते हैं अगले आपके क्वेश्चन नंबर 22 की। तो ये आपका हिस्ट्री से क्वेश्चन है। देखिए, गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? तो बताइए यहाँ पर कि जो गुरु अर्जुन देव हैं वो किस मुगल सम्राट के समकालीन थे, ये आपसे पूछा। क्योंकि समकालीन कवि वगैरह या आपके जो वैद्य वगैरह हैं वो आपके पूछे जाते हैं, या आपके कुछ जो गुरु हैं जैसे धर्म गुरु हैं वो आपके पूछे जाते हैं। तो गुरु अर्जुन देव किस मुगल सम्राट के समकालीन थे? शाहजहां, जागीर, अकबर और औरंगजेब। चार ऑप्शन हैं आपके सामने। तो बताना है कि ऑप्शन नंबर जो आपका जो सेकंड है, यानी कि 22 नंबर का जो क्वेश्चन नंबर 22 का जो ऑप्शन नंबर सेकंड है, जहांगीर हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो गुरु अर्जुन देव जो है वो आपके जहांगीर के समकालीन थे। अब बात करते हैं हम आपके क्वेश्चन नंबर 23 के बारे में। अब बिल्कुल हम लोग लास्ट तक में पहुंचने वाले हैं, क्योंकि आपने 30 क्वेश्चन ही मैंने यहाँ पर रखे हैं। तो हम बात करते हैं, भारत की किस नदी को दक्षिण की गंगा के नाम से जाना जाता है? तो बताइए यहाँ पर आपका आंसर क्या रहेगा, कावेरी को, कृष्णा को, पेरियार को या गोदावरी को। अगर हम इसकी बात करते हैं तो भारत की जो आपकी गोदावरी नदी है, कौन सी गोदावरी नदी है, इसको दक्षिण भारत की गंगा के नाम से जाना जाता है। इसमें ऑप्शन में कंफ्यूजन रहता है कावेरी और गोदावरी में। तो इसका जो राइट आंसर है वो है आपका गोदावरी। अब बताइए कि गोदावरी कहाँ से निकलती है, तो इसको आपको बताना है। तो गोदावरी अगर हम बात करते हैं तो ये आपकी महाराष्ट्र से, महाराष्ट्र में MH लिखे दे रहा हूँ, महाराष्ट्र के भाई नासिक जिले से आपकी ये निकलती है। कहाँ से? नासिक जिले से निकलती है। और अगर और पूछ ले कि कहाँ से निकलती है नासिक जिले की, त्रंबकम जो आपका पहाड़ी है वहाँ से आपकी निकलती है, त्रंबकम पहाड़ी से। अब मैं बात करता हूँ कावेरी की, यहाँ पर लिख देता हूँ ये देखिए त्र्यंबकम, त्र्यंबकेश्वर लिख दे, त्र्यंबकेश्वर आएगा आपके एग्जाम में। तो ये आपको मिल जाए कि महाराष्ट्र से निकलती, गोदावरी महाराष्ट्र के नासिक जिले से त्र्यंबकेश्वर से आपकी ये निकलती है। अब बात करता हूँ मैं आपके, इसके राइट आंसर तो आपका गोदावरी हो जाएगा। अब मैं बात करता हूँ कावेरी भाई कहाँ से निकलती है, तो इसको आपको बताना है। तो ये आपके कर्नाटक के ब्रह्मगिरी की पहाड़ियों से निकलती है, कर्नाटक के ब्रह्मगिरी पहाड़ियों से, ठीक है। मैं सभी ऑप्शन को डिस्कस करता हूँ। अगर मैं वहीं कृष्णा नदी की बात करता हूँ, तो कृष्णा नदी है वो आपकी महाबलेश्वर से निकलती है। कहाँ से? महाबलेश्वर की पहाड़ियों से आपकी निकलती है। और पेरियार नदी की बात करती है, ये किस किस स्टेट से निकलती है, तो ये आपके केरल से निकलती है। कहाँ से? केरल से निकलती है। तो कावेरी कहाँ से? कर्नाटक से हो गई आपकी, कृष्णा महाबलेश्वर से, और पेरियार आपकी केरल से, गोदावरी आपकी महाराष्ट्र के नासिक जिले से, त्र्यंबकेश्वर से। अब हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 की। तो नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है? तो नारियल के उत्पादन में, जैसे आपके पूछा जाता है, जैसे स्टेट का एग्जाम होता है कि चीनी का कटोरा किस देश को कहा जाता है, अब वो क्वेश्चन क्या है वो पुराने हो गए। तो ये क्वेश्चन है कि नारियल के उत्पादन में भारत का विश्व में कौन सा स्थान है, तो ये आपको बताना है। तो देखिए, पहला है, दूसरा है, तीसरा है, चौथा है, इसका आपको आंसर देना है। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो ऑप्शन नंबर जो सेकंड है, दूसरा, ये आपका सही हो जाएगा। देखिए, जो पहले डेटा था वो था तीसरे स्थान पर, पहले का कब था, पहले तीसरे पर था, लेकिन अभी लेटेस्ट में दूसरे स्थान पर पहुँच चुका है। अब हम बात करते हैं अभी क्वेश्चन नंबर 25 की। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है आपसे पूछ रहा है, दुनिया की सबसे बड़ी झील आपसे पूछ रहा है, ना कि मीठे पानी की या आपकी खारे पानी की, ये आपसे नहीं पूछ रहा है। तो दुनिया की सबसे बड़ी झील आपको बतानी, विक्टोरिया है, सुपेरियर है, कैस्पियन है, इनमें से कोई नहीं है। तो आपको बताना है, एक ऑप्शन आप जोड़ लीजिए, एक चिल्का भी यहाँ पर जोड़ लीजिए। तो बताइए कि दुनिया की सबसे बड़ी झील कौन सी है। तो अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो है आपका कैस्पियन सागर। कैस्पियन सागर दुनिया की सबसे बड़ी झील है। अगर आपसे पूछा जाता कि भारत की सबसे बड़ी खारे पानी की झील, तो वो है आपकी, भारत की सबसे बड़ी झील, तो वो आपकी, ये भारत की सबसे बड़ी है, तो वो कौन सी है? चिल्का है। और आपसे पूछे मीठे पानी की सबसे बड़ी झील कौन सी है, तो वो शायद आपकी सुपीरियर झील है। अब हम बात करते हैं आपके अगले क्वेश्चन की। तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? अभी मैंने थोड़ी ही दिन पहले एक क्लास ली थी, जिसमें मैंने विश्व के वो प्रमुख देश बताए जो प्रमुख नदियों के किनारे बसे हुए हैं, जो देश हैं या शहर है, मैंने इस टाइप की क्लास ली थी, उसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, अगर आपने नहीं देखी तो देख लेना। तो टोक्यो किस नदी के किनारे बसा है? टाइग्रेस, मोस्कवा, डैनब्यू या अराकावा। तो देखिए, जो टोक्यो है वो आपका अराकावा नदी के किनारे बसा हुआ एक आपका शहर है। टाइग्रेस, ये बगदाद, जो बगदाद शहर है वो टाइग्रेस नदी के किनारे बसा हुआ है।
तो ये आपका ऑप्शन नंबर जो आपका 4 है वो आपका राइट हो जाएगा। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 27 की। तो तूतीय हिंद या तोता ए हिंद किसे कहा जाता है? तूतीय हिंद किसे कहा जाता है? या पहले कभी तूतीय हिंद या तोता ए हिंद, ये भी आपको मिल सकता है। हसन अली को, कबीरदास को, अमीर खुसरो का, इनमें से कोई नहीं। अगर मैं इसके राइट आंसर की बात करता हूँ तो वो हो जाएगा आपका अमीर खुसरो। तो अमीर खुसरो को क्या तूतीय हिंद के नाम से जाना जाता है। ये किसके दरबार में थे? ये तो आपका अलाउद्दीन के पूछा था कि किसके दरबार में रहते थे, तो अलाउद्दीन के दरबार में रहते थे। और ये भी एक क्वेश्चन पूछा गया है कि अमीर खुसरो ने कितने शासकों का दरबार देखा है? तो ये 8 शासकों का इन्होंने दरबार देखा था अमीर खुसरो ने। हम बात करते हैं आपके क्वेश्चन नंबर 28 के बारे में। तो क्वेश्चन नंबर जो 28 है कि कांग्रेस का विभाजन किस अधिवेशन में हुआ है? ये आपका मॉडर्न हिस्ट्री से क्वेश्चन है कि कांग्रेस का जो विभाजन है वो किस अधिवेशन में हुआ है? 1910 अहमदाबाद, 1906 सूरत, 1915 बंगाल, या 1907 सूरत। तो अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो इसका जो राइट आंसर ऑप्शन नंबर 4 है, 1907 सूरत अधिवेशन में कांग्रेस का विभाजन हुआ, जो कि दो दलों में विभाजित हुई थी। काफ़ी फेमस दल हैं, एक तो आपका गरम दल और एक आपका नरम दल, गरम और नरम दल में आपकी हुई थी। चलिए ये बताइए तो फिर कांग्रेस का जो दोबारा से जो एक तरीके से मिलाप था वो किस अधिवेशन में हुआ? ये आपके लिए रहेगा क्वेश्चन। मैं एक आपको हिंट दे देता हूँ कि वो शायद 1916 के समथिंग हुआ था। तो कांग्रेस का जो विभाजन हुआ है 1907 सूरत में, और वो आपका उनका मिलान फिर दोबारा से वो कब मिले तो वो आपको कमेंट करके बताना है। क्वेश्चन बात करता हूँ 29 क्वेश्चन की, आंसर नंबर क्वेश्चन की, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी अमेजन नदी, मिसिसिपी, मिसौरी, या कांगो, या विक्टोरिया लेक। तो इसके अगर हम राइट आंसर की बात करते हैं तो नील नदी जो है वो विक्टोरिया लेक से आपकी निकलती है। कहाँ से? विक्टोरिया जो विश्व की सबसे बड़ी नदी है, तो विक्टोरिया लेक से कहाँ से नील नदी आपकी निकलती है। हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 30 की, जो कि आज आपका लास्ट क्वेश्चन है। कमेंट करके आप ज़रूर बताएं कि भाई आपको ये सीरीज किसी कैसी लग रही है। अगर आपको ये सीरीज पसंद आती है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर ज़रूर करें, जिससे हमको भी मोटिवेशन मिलेगी भाई हाँ आप लोगों के लिए इस सीरीज़ को जारी रखना है, और जिससे आपको कुछ बेनिफिट हो रहा है तभी आप हमको बताना कि भाई इससे हमको बेनिफिट हुआ, हमको क्वेश्चन अच्छे लगे, तो ये सीरीज़ को मैं आगे ऐसे ही कंटिन्यू रखूँ जब तक आपका एग्जाम ना हो जाता है आर्मी का। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना जिससे वीडियो आते रहें और आपको जानकारी मिलती रहे। तो महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था? ये आपका क्वेश्चन रहा है कि महात्मा गांधी ने किस गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। तो ये आपका एक क्वेश्चन है, प्रथम में, द्वितीय में, तृतीय में, इनमें से कोई नहीं। अगर हम इसके राइट आंसर की बात करते हैं तो महात्मा गांधी ने द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लिया था। अब देखिए एक क्वेश्चन है कि तीनों गोलमेज सम्मेलन में किसने भाग लिया था? तीनों गोलमेज में तो वो लिया था अम्बेडकर, यानी कि B.R. अम्बेडकर ने, और एक नाम और था वो आपको बताना है कि भाई तीसरा अम्बेडकर का। तो तीनों में पता है कि भाई अगर हम तीनों की, इसका आंसर हो जाएगा द्वितीय। अगर हम तीनों की बात करते हैं तो तीनों में एक तो B.R. अंबेडकर ने भाग लिया था, और दूसरा क्या है, एक थे कौन, एक थे तेज बहादुर साहब, तेज बहादुर, ये दो नाम आपको ध्यान रखना क्योंकि ये क्वेश्चन काफ़ी लोगों को याद है लेकिन ये नहीं पता कि और किसने साथ में भाग लिया था। तो तीनों गोलमेज में तो B.R. अंबेडकर और तेज बहादुर ने